is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ के दो दिवसीय दौरे पर हैं। आज वह लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने चार फ्लाईओवर सहित कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की जमकर तारीफ। तो यूपी को हिंदुस्तान का अग्रणीय राज्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि अटल जी के शासनकाल में लखनऊ में विकास की गंगा बही। योजनाओं का अभी यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, साथ ही साथ प्रदेश के उन प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के गांव और मोहल्लों को जोड़ने वाली सड़कों के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहाँ पर संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आप सभी नागरिकों को और साथ ही साथ प्रदेश के उन सभी प्रतिभाशाली छात्रों को जिनके गांवों को जोड़ने और जिनके मोहल्लों को जोड़ने वाली सड़क का आज यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, उन सबको हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि 19 मार्च 2017 को जब हम लोगों ने प्रदेश की सरकार का दायित्व संभाला था, उस समय प्रदेश के अंदर 1,23,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें गड्ढों में बदली थी। प्रदेश की पहचान गड्ढा युक्त सड़कों के कारण था। प्रदेश में या तो सड़कें गड्ढों में बदली थी या फिर प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की दुर्व्यवस्था के कारण अंधेरा छाया हुआ था या गुंडागर्दी, अराजकता और दंगे उत्तर प्रदेश की पहचान थी। आज आप सबकी शुभेच्छा से, आप सबके सहयोग से प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित करने, प्रदेश के अंदर गड्ढा मुक्ति सड़कों और सड़कों के नवीनीकरण के कार्य को आगे बढ़ाने और साथ ही साथ पूरे प्रदेश के अंदर विद्युत की दुर्व्यवस्था को समाप्त करके एक समान विद्युत वितरण की व्यवस्था को सफलतापूर्वक संचालित करने के साथ साथ हर क्षेत्र में हम लोगों ने कार्य करने का प्रयास किया, जबकि 938 करोड़ की परियोजनाओं का यहां शिलान्यास हो रहा है और लोकार्पण हो रहा है। सचमुच मुझे बेहद खुशी है। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी तहे दिल पूरी प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश के विकास के प्रति वह समर्पित है, क्योंकि विगत साल सवा साल में मैंने देखा है जिस लगन के साथ और जिस कठोर श्रम के साथ वह उत्तर प्रदेश के विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं, मुझे पूरा विश्वास है यही सिलसिला यदि चलता रहा तो उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।